अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अखिलियती अकामती स्कूल्स की कुशादगी का सिलसिला जारी। हल्के असम्बली कारवान और नामपल्ली में रेजिडेंशियल स्कूल्स का मुतल्लिका रुकन असम्बली ने किया इफ्तिताह। रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की शिरकत। शहर हैदराबाद तेजी के साथ तरक्की की जानिब रवां दवां। रियासती वजीर बलदी नज्म नस के टी आर ने किया दावा। रमजान के आखिरी अयाम में खरीदारी के लिए बुरखापोश खवातीन और लड़कियों का बाजारों में इज्तिहाम। मनचले नौजवान भी बाजारों में सरगर्म। एसओटी रचाकुंडा ने मलकपेट में वाके खानगी ब्लड बैंक पर किया धावा। नॉर्मल सलाइन के जरिए मिलावटी खून तैयार करने का रियाकत बेनकाब। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अखिलियती तलबा और तालिबात के लिए कायम किए गए रेजिडेंशियल स्कूल्स की कुशादगी का सिलसिला जारी है। हल्के असम्बली कारवान के तहत गोलकुंडे में तलबा के लिए रेजिडेंशियल स्कूल का इफ्तिताह मजलिसी रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने अंजाम दिया। इस मौके पर रेजिडेंशियल स्कूल्स के जिम्मेदारान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अलावाजी हल्के असम्बली नामपल्ली में भी अखिलियती अकामती स्कूल का आगाज किया गया, जिसका इफ्तिताह मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों और ईसाइयों को एलियंस करार देने वाले शख्स को सदर जमहूरिया के बाविखार ओहदे का उम्मीदवार बनाना ये जाहिर करता है कि बीजेपी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहती है। और रामनाथ कोविंद ने मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में जो बातें कही थी, बीजेपी को इसकी वजाहत करनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि रामनाथ कोविंद ने ईसाइयों और मुसलमानों से मुतालिक जो बातें कही थी वो सावरकर, गोलोवाकर और आरएसएस से नजरियात की अक्कासी करते हैं, जबकि सदर मजलिस ने कश्मीर में डिप्टी एसपी मोहम्मद अयूब के बेरहमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि गौ रक्षा के नाम पर और डिप्टी एसपी मोहम्मद अयूब का कत्ल करने वालों में कोई फर्क नहीं है। यू नो द बीजेपी कैंडिडेट इज अ कंटेस्टेंट फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड इफ अ पर्सन एस्पायरिंग टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स दिस व्यू दैट माइनॉरिटीज which includes Muslims and Christians are alien to this nation, then what kind of confidence is this candidate or his party is creating in the constitution? Also, what kind of message is being sent to the Muslims and Christians? So this in itself clearly shows that what we have been saying, that BJP wants to convert this great nation of ours into Hindu Rashtra. And that is why I had used his quotation which he had made, which is on record. Sir, immediately BJP hit out at you saying Ovaisi is doing what he has always been doing, communal politics. No, they can. Why is he bringing religion into it is what they No, BJP should say first whether the report wherein Mr. Kovind had said this or not.
Didn't he say that Muslims and Christians are alien to this nation? What right has anyone got to call Muslims and Christians who are first citizens of this country as alien to this nation? Because when a person says this, he is repeating the ideology of Savarkar, Golwalkar and RSS. So this is nothing new, but has he said this or not? That is what the BJP should say. Sir, you also spoke about the DYSP who was lynched in Kashmir and the situation in Kashmir. Could you elaborate a little more, sir? I have condemned the lynching of DYSP, Mr. Ayub, and that too on a holy night, and that too near the Jama Masjid of Srinagar. Who are these people? People who have lynched Ayub and people who are lynching Muslims in the name of Gauraksha, I find them no difference. These group of people cannot be called as human beings, because you are taking a life of a human being and you have no right whatsoever. So people who are lynching in the रमजान मुबारक के आखिरी अय्याम में बाजारों में खरीदारों का अजदहाम उमट पड़ता है। तारीखी इमारत चारमीनार ता मदीना बिल्डिंग शॉपिंग करने वालों की काफ़ी तादाद होती है, जिनमें ज़्यादातर बुरखा पोश खवातीन और जवान लड़कियां होती हैं। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे के मुताबिक बाजार में पुलिस की निगरानी के बावजूद ओबाश नौजवानों की जानिब से लड़कियों और खवातीन के साथ धक्कम पेल का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब बुरखापोश खवातीन और नौजवान लड़कियां आखिरी वक्त शॉपिंग करने की गर्ज से निकलती हैं, जिनका ये मंचले नौजवान और अधेड़ उम्र के अफराद फ़ायदा उठाते हैं। आवाम ने पुलिस से अपील की है कि इस तरह की सरगर्मियों पर नज़र रखी जाए और कार्रवाई की जाए। स्पेशल ऑपरेशंस टीम एसओटी ने चेतनियापुरी पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में बाबा सुख तेला पर कार्रवाई करते हुए खुमारबाजी में मसरूफ 5 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 50,000 रुपये नगद रकम के अलावा 5 मोबाइल से 2 बाइक्स व दीगर अशिया बरामद कर लें। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रविंदर पिछले 4 साल से कार्ड गेम्स चला रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में एक हाईकोर्ट एडवोकेट, एक हेड कांस्टेबल और एक सरकारी मुलाजिम बताया गया है। एसओटी ने तमाम गिरफ्तार शुदा अफराद को जब्त शुदा अशिया के हमरा चेतनियापुरी पुलिस के हवाले किया। ٹارسفورس سینٹر زون نے تنسیخ شدہ کرنسی کی غیر قانونی طور پر تبدیلی کی کوشش کرنے والے 3 افراد کو حراست میں لیتے ہوئے 7 کروڑ روپیے تنسیخ شدہ کرنسی اور دیگر اشیاء برآمد کر لی۔ ڈی سی پی ٹارس فورس بی لمبا ریڈی کے مطابق گرفتار شدگان میں 50 سالہ پی پرشوتم، 45 سالہ پی سری نواس راؤ کے علاوہ ایم کوٹیشور راجو بھی شامل ہیں۔ ٹاسک فورس نے جو بھی اس علاقے میں سے مذکورہ ملزمین کو حراست میں لیا، گرفتار شدگان کو ضبط شدہ رقم کے ہمراہ جوبلی ہلز پولیس کے حوالے کیا گیا۔ ایس او ٹی ایل بی نگر زون رچہ کنڈا نے باوس قتلہ پر کاروائی کرتے ہوئے رائس پولنگ ٹولی کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے مختلف اشیاء بھی برآمد کی گئیں۔ جوائنٹ کمشنر رچہ کنڈا کے مطابق 40 سالہ کے میسیا، 55 سالہ کے کنڈیا، 35 سالہ کے اسپورتی، 59 سالہ جے وینکٹ رمنا، 30 سالہ جی رمیش اور 44 سالہ ایم سوامی شامل ہیں۔ ایس او ٹی کے مطابق مذکورہ ٹولی کئی افراد کو اپنے دھوکے کا شکار بنا چکی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی ایس او ٹی نے اس قسم کی دھوکہ دہی میں ملوث کئی افراد کو گرفتار کیا ہے۔
चारमीनार पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी चारमीनार डिवीजन अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि 35 साल वी संदीप उर्फ पप्पू साकी नंदी मुसलाईगुड़ा किशनबाग को गिरफ्तार करते हुए पॉस्को एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी तर्ज पर एसीपी ने एक और केस के बारे में बताया कि चारमीनार पुलिस ने पाकिटमार खातून को भी हिरासत में लिया, जिसकी शिनाख्त 48 साल वी लक्ष्मी की हैसियत से की गई है। उन्होंने एक केस के अलावा एक और केस के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि चारमीनार पुलिस ने जहन मुंतशिर करते हुए नकद रकम और सामान उड़ाने वाली 3 रुकनी टोली को भी गिरफ्तार किया है। जीएचएमसी अमले ने अंसारी रोड पर वाकई एक प्रॉपर्टी को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तस्लीम करते हुए उसकी इन्हदामी कार्रवाई अमल में लाई। इस मौके पर फलकनुमा पुलिस को मुतला करते हुए पुलिस की निगरानी में इन्हदामी कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रॉपर्टी के मालिक अजीम फारूखी का कहना है कि ये एक जानिबदाराना इकदाम है। दूसरी जानिब इंस्पेक्टर पुलिस फलकनुमा ने कहा है कि इन्हदामी कार्रवाई से कबल पुलिस को मुतला किया गया था। साथ देते हुए बल्दिया वाले जो है हमारी प्रॉपर्टी को आके पूरे तरीके से जो है ना तोड़ के चले गए, सिर्फ परमिशन पूछ रहे हैं, जबकि आजू बाजू किसी किस्म का परमिशन नहीं है हमारे पास, इधर परमिशन है ना किसी किस्म का। और जो बल्दिया के ऑफिसर आए हुए हैं वो पूरे पीके है, जिसमें बड़ा ऑफिसर है वो तो खुद पीके है, जिसको अभी पुलिस फलकनुमा नरेंद्र इससे ले लेके गए पी लेके हमारे पे जुल्म करे और हमारा पूरा सामान जो है ना तोड़ना ले, पूरे तरीके से सामान तोड़ दिया यहाँ पे और हमारे पे जुल्म कर रहे। पिछले 2 घंटे से तो जो है ना जुल्म कर रही बल्दिया, पुलिस भी जो है खामोश तमाशा ही बनी हुई है और बल्दिया जो है ना हमारे पे जुल्म करके हमारी पूरी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दी। कुछ ऑर्डर वगैरह बताया क्या? कोई ऑर्डर नहीं बता रहे हमको, किसी किस्म का ऑर्डर नहीं बता रहे हमसे, कोई बात नहीं कर रही, सिर्फ जो है ना जेसीबी लाके तोड़ दे, किसी किस्म का ना ऑर्डर है इनके पास। ये सब लोकल जो है ना मिलके बल्दिया वालों को लेकर आके बोली इस बल्दिया मैनेज करके तोड़ा दिए। हमारे को किसी, मेरा नाम अजीम अहमद खादरी है जी, इसके ये प्रॉपर्टी मेरी है। एक ऑफिसर फुल पी के बल्दिया का ऑफिसर, जिसको ठहरना नहीं आ रहा, वो गालियां देते हुए प्रॉपर्टी को तोड़ा, गालियां देते हुए तोड़ा है प्रॉपर्टी। जब उसकी कमजोरी मालूम हो गई उन्हें पी के है तो गली से भाग जा रहा था, उधर आगे जाके नरेंद्र एसआई और जो है ना जवाना मिलके उसको पकड़ के अभी पीएस को लेके गए। आज फलकनामा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में सेक्टर 2 एरिया अंसारी रोड पे ये सर्वे नंबर 26 मीरसागर विलेज बोलते हैं इसको, यहाँ पे हाउस नंबर 19-4-282/1/D/A/4 ये हाउस नंबर है। ये हमारे को जीएचएमसी ऑफिस से असिस्टेंट सिटी प्लानर सर्किल 5 से उन लोगों एक रिक्वेस्ट करे एज पर द जीएचएमसी ऑर्डर स्केल, बाद में ये पुलिस का प्रोडक्शन होना एक डिमोलिशन करने के लिए, ये इसके वास्ते में हमारे जो पुलिस प्रोडक्शन के लिए हमारे जो ऑर्डर्स आया वो ऑर्डर्स के अलावा हम वो जीएचएमसी ऑफिशियल्स है और जीएचएमसी स्टाफ है वो डिमोलिशन के लिए आए, वो हम उनको प्रोडक्शन करें। इधर आने के बाद देखे तो ये 2 आदमी का कुछ लिटिगेशन में है, जो उन लोगों का क्या लिटिगेशन है क्या है जो कोर्ट में उधर देख लेना है। हमारे जो जीएचएमसी का ऑर्डर्स है उसको प्रोडक्शन देना और उनको हम प्रोडक्शन दिए, डिमोलिशन करके चले गए और कुछ फर्दर करस्पॉन्डेंस है तो उन लोग जाके ऑफिस में और कोर्ट में आप जाके परसू करो बोल के उनको बता दिए। यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस और लैंड ऑर्डर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने के जैसा हमारा पुलिस का प्रोटेक्शन दिए, अभी पूरा डिमोलिशन कर लिए, फिर वह और नेक्स्ट फर्दर करस्पॉन्डेंस जो क्या है जो उधर उन लोग देख लेते। एसओटी रचाकुंडा ने मलकपेट में वाकई एक खानगी हॉस्पिटल पर धावा करते हुए मिलावटी खून की तैयारी के एक रैकेट को बेनकाब किया और 2 अफराद को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक विनिस हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में नॉर्मल सलीवा के जरिए मिलावटी खून तैयार किया जा रहा था और मस्कुरा खून हाटरंग गुड़ा में वाकई ग्लोबल हॉस्पिटल को सप्लाई किया जा रहा था। बाद अजां एसओटी रचाकुंडा ने मुलजमीन को जब्त शुदा अशिया के हमरा मुतालिका पुलिस के हवाले किया। इस सिलसिले में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई।
वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रीजनल कमिश्नर हैदराबाद स्वाति लाकड़ा ने शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से हमदर्दी रखने वाले एक शख्स की गिरफ्तारी की तस्दीक की है जिसने 2015 में इस्लाम कबूल किया था। स्वाति लाकड़ा ने बताया कि सुब्रमण्यम ने जम्मू कश्मीर के अलावा मुंबई और तमिलनाडु का भी दौरा किया था। सोशल मीडिया के जरिए उसने बम बनाने का तरीका भी सीखा था और इसी शुबे की बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया गया। स्वाति लाकड़ा ने बताया कि मुंबई से ताल्लुक रखने वाले अबू गफास से भी सुब्रमण्यम के ताल्लुकात का पता चला है। In the Telegram, Facebook pages with ISIS sympathizers. That is the information that we have. And he was also in touch with a person in Mumbai, Abu Kahfa. We have not yet been able to get him, but this person we could catch him. And with incriminating kind of chattings that how to make bombs or you know things like that. So that interrogation, of course, some interrogation has been done as of now. So some ISIS. See, he has been chatting with people outside the country also, but we will be able to know more only after we take him on police custody. We have you know filed for police custody. Once we get it, we'll be able to know more. His team, sir, are you trying to we will take this person on police custody and then our teams will go. क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारे जो CCS टीम्स ने एक बंदे को अरेस्ट किया है। इसका नाम के सुब्रमण्यम है। ये 2014 में इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था। उसके बाद वो जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, मुंबई ये सब जगह घूमा है और चैटिंग के दौरान, ये सोशल मीडिया में चैटिंग के दौरान वो बॉम्ब बनाने का तरीका और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज, अनलॉफुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है जो हम लोगों के नोटिस में आया है। और मुंबई का एक अबू कहफा से भी इसके लिंक्स हैं और इस वजह से हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया है। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में इफ्तार पार्टियों के अहतमाम में इजाफा हो जाता है और इसी जिमन में जुमेतुल विदा के मौके पर जावेद खान प्रोपराइटर जेके वीडियो की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। जहानुमा बॉयज टाउन के करीब मुनक़िद इस दावत इफ्तार की सरपरस्ती शेर खान साहब ने की। इस मौके पर जावेद खान, मोहम्मद जीलानी और रजीउद्दीन ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया जबकि जमील अहमद, अब्दुल क़य्यूम, हैदर, सादिक, आदिल, सुबेर और राशिद ने इंतजाम की निगरानी की। इस दावत इफ्तार में शहर की नामवर शख्सियतों के अलावा अजीज व अखारब, दोस्त अहबाब और वीडियो फील्ड से ताल्लुक रखने वाले तिजारत पेशा लोग भी मौजूद थे जिन्होंने जावेद खान की गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि शादी ब्याह की मुख्तलिफ तकारीब में जावेद खान के पास से नई टेक्नोलॉजी के जरिए वीडियोग्राफी और एडिटिंग वगैरह की सहूलत भी दस्तियाब है। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल के केतीपल्ली देहात में गैस के इखराज से एक छोटी होटल में आतिशजदगी का वाकया पेश आया। इस वाकये में होटल में मौजूद एक खातून अंजम मां झुलस गई और होटल में रखा गया सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुकामी अवाम ने आग पर काबू पाने में मदद की जबकि पुलिस ने भी मुकाम वाकये पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और तहकीकात जारी है। टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम ने एक बैन रियासती डाकू को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 900 ग्राम तिलाई जेवर और दीगर अशिया बरामद कर ली। DCP टास्क फोर्स बी लिम्बा रेड्डी के मुताबिक 36 साल शकील अहमद साकिन उस्मानबाग कामाटीपुर को गिरफ्तार किया गया। मस्कुरा मुलजिम 26 रहजनी की वारदातों, 2 डाकाजनी की वारदातों और 3 टू व्हीलर्स गाड़ियों के सरखे की वारदातों में मुलविस है।
साबिक मरकजी वजीर सर्वे सत्य नारायणा ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उनसे मुतालबा किया कि वो सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए NDA उम्मीदवार की तायद का जो फैसला लिया है इस पर दोबारा गौर करें और अपने सेकुलर होने का सबूत दें, क्योंकि रियासत की आवाम ने उन्हें बहैसियत सेकुलर कायद के वजीर आला के ओहदे पर फायज किया है। साबिक मरकजी वजीर सर्वे सत्यनारायणा ने विरार तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उनसे मुतालबा किया कि वे सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए NDA उम्मीदवार की तायद का जो फैसला कर चुके हैं उस पर दोबारा गौर करें और अपने सेकुलर होने का सबूत दें, क्योंकि रियासत की आवाम उन्हें एक सेकुलर कायद समझते हुए वजीर आला के ओहदे पर फायज किया है। उन्होंने कहा कि NDA ने जिस शख्सियत को उम्मीदवार बनाया उसका ताल्लुक RSS और BJP से है और ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है। वजीर बल्दी नंदनवास KT रामाराव ने दुर्गम चेरों में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और ग्रेटर हैदराबाद में GHMC का अमला हर वक्त मुतहरिक है। उन्होंने कहा कि GHMC के मुलाजमीन अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में किसी भी तरह की कोताही नहीं कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा वेंकटया नामी मुलाजिम के उस काम से लगाया जा सकता है जिसने 16 साल तक बगैर किसी रुख्सत के काम किया। रियासी वजीर बल्दी नजम रसख KT रामाराव ने दुर्गम चेरू में मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि हैदराबाद तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और यहां पर GHMC का अमला रोजाना तेजी के साथ अपना काम अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा GHMC के मुलाजमीन अपने फ़राइज़ की अंजामदेही किस तरह ईमानदारी और बेहतर अंदाज में अंजाम दे रहे हैं इसका अंदाजा वेंकटैया से लगाया जा सकता है जिसने 16 साल तक बगैर किसी रुख्सत के मुसलसल काम अंजाम देते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को क्लीन करने के साथ ग्रीन करने के भी इकदाम जारी हैं। उन्होंने कहा कि TRS बरसर इक्तदार आने के बाद से हैदराबाद में कई एक इकदाम किए जा रहे हैं। सीनियर कांग्रेस कायद पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती वज़रा की जानिब से बाफिंदों की फलाह बहबूद करने का खोखला दावा किया जा रहा है, तहम कई एक बाफिंदे माली मुश्किलात से दो चार होकर खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। वजीर फाइनांस डी राजेंद्र और वजीर IT KT रामाराव के अलावा दीगर वज़रा ने बोधन के मंडल पोचमपल्ली में बाफिंदों की फलाह बहबूद के लिए नई स्कीम मुतारिफ करवाई। बाद अज़ां मस्कूरा खायदी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मस्कूरा स्कीम के लिए 60 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। फिनांस ई राजेंद्र, वजीर IT KT रामाराव, वजीर जंगलात जोगू रामन्ना और दीगर ने बोधन के मंडल पोचमपल्ली में बाफिंदों की फलाह बहबूद के लिए नई स्कीम मुतारिफ करवाई और बताया कि रियाला के चंद्रशेखर राव ने स्कीम के लिए 60 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। इंदरा ने कहा कि TRS हुकूमत BC तबके की फलाह बहबूद के लिए कई एक इकदाम कर रही है और बाफिंदों के अफराद खानदान को सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं जिनमें बाफिंदों के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करना भी शामिल है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर, अखिलियती अकामती स्कूल्स की कुशादगी का सिलसिला जारी। हल्के असम्बली कारवान और नामपल्ली में रेजिडेंशियल स्कूल्स का मुतालिक रुकन असम्बली ने किया इफ्तिताह। रुकन पार्लियमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की शिरकत। शहर हैदराबाद तेजी के साथ तरक्की की जानिब रवां दवां। रियासती वजीर बल्दी नजम नस्क KTR ने किया दावा। रमजान के आखिरी अयाम में खरीदारी के लिए बुरखापोश खवातीन और लड़कियों का बाजारों में इज्तिहाम। मन चले नौजवान भी बाजारों में सरगर्म।
एसओटी रचाकुंडा ने मलकपेट में वाके खानगी ब्लड बैंक पर किया धावा, नॉर्मल सलाइन के जरिए मिलावटी खून तैयार करने का रियाकत बेनकाब। नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पयाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पसंद होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।